मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज है संडे और लेकर आया हूँ आपके लिए जॉब अपडेट। इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा के लिए, आईटीआई वालों के लिए भी इस वीडियो में कुछ ना कुछ है। बहुत सी जॉब्स निकली हुई हैं, तो अगर आप मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्या पता आपको आपकी पसंद की जॉब मिल जाए जो आपके करियर में बूस्ट दे सके। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहे थे एसएससी जेईई को लेके, एसएससी का फॉर्म कब निकलेगा। तो आपको बता दूं, एसएससी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म निकल चुका है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, या फिर अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप एसएससी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म अभी एक दिन पहले 21 अक्टूबर को ही निकला है और 17 नवंबर तक फॉर्म आप भर सकते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में फराका बैरेज में, ये फराका बैरेज वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल वाटर रिसर्च स्टेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट हो रहा है एसएससी के थ्रू। कितनी पोस्ट है अभी पता नहीं चला है, एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया गया है तब भी, लेकिन 500 से ज्यादा पोस्ट तो होने की संभावना है। तो अगर आप एसएससी जेई का फॉर्म भरने वाले हैं तो भर दीजिए, और नीचे कमेंट में भी मुझे बताइए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। अगली जॉब अपडेट आ रही है सेल की तरफ से। बहुत से लोग सेल में जाना चाहते हैं, बहुत से लोग सेल में एमटीटी बनना चाहते हैं, तो सेल भी अब गेट 2018 से जुड़ चुका है। सेल के अलावा एनटीपीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एनएफएल, विजेग स्टील, तराई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एनपीसीआईएल और बहुत बहुत सारे पीएसयू ऑलरेडी गेट से जुड़ चुके हैं। मैं अपने वेबसाइट में लिस्ट दे चुका हूँ और जैसे जैसे फॉर्म निकलते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। एनपीसीआईएल से याद आया, जैसे मैंने आपको बताया एनपीसीआईएल गेट से जुड़ गया है, लेकिन डिप्लोमा के लिए और आईटीआई के लिए एनपीसीआईएल में बहुत से पोस्ट निकली हुई हैं। अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा या बीएससी किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 25 नवंबर, 25 नवंबर है। डिप्लोमा वालों के लिए अलग अलग जगह में जॉब निकली हुई है, आईटीआई वालों के लिए अलग अलग जगह में जॉब निकली हुई है। डिप्लोमा वालों की बात करें तो 67 पोस्ट ककरापुर गुजरात में है और 56 पोस्ट तारापुर महाराष्ट्र में है। वहीं आईटीआई वालों के लिए तारापुर महाराष्ट्र में वैकेंसी निकली हुई है एनपीसीआईएल में, और मद्रास की एनपीसीआईएल ब्रांच में भी 40 पोस्ट आईटीआई वालों के लिए निकली हुई है। तो आप एडवर्टाइजमेंट देखिए और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी बहुत से आईटीआई वालों के लिए बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है अलग अलग पीएसयूज में। वीडियो में बने रहिए, आखिरी में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद अगली जॉब अपडेट के बारे में बात करें तो आरबीआई रिक्रूटमेंट हो रहा है। कोई भी डिग्री, कोई भी बंदा बैचलर डिग्री जिसके पास है वह इस फॉर्म को भर सकता है। 623 पोस्ट निकली हैं अलग अलग शहर में आरबीआई में। जनरल के लिए फॉर्म 450 का है, एससी एसटी वालों के लिए फॉर्म 50 रुपीज का है, तो आप भर सकते हैं। और अगर आप भरते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 होगा, प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। इसके बाद अगली जॉब अपडेट आ रही है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे 110 पोस्ट निकली हुई है जिसमें मैकेनिकल वालों के लिए 41 पोस्ट है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रिक्रूटमेंट हो रहा है विद्युत सहायक का। जनरल वालों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 नवंबर है। फॉर्म भरने से पहले एडवर्टाइजमेंट जरूर देख लेना, और अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए बहुत 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 सारी पोस्ट निकली हुई हैं अलग अलग पीएसयूज में, उस बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हेक्सागन डॉक लिमिटेड में 945 पोस्ट, 945 पोस्ट निकली हुई है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए मुंबई में। और हेक्सागन डॉक के फॉर्म भरने की लास्ट डेट बहुत करीब आ चुकी है, 29 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो अगर आप चाहते हैं भरना तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा ONGC में भी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए 5579 पोस्ट निकली हुई है। बहुत सारी पोस्ट है, बहुत अलग अलग सिटीज में बहुत सारी पोस्ट है और बहुत सारे ब्रांचेस के लिए, आईटीआई वालों के लिए, फिटर,
मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, बहुत सी ब्रांचेस के लिए पोस्ट निकली हुई है। ONGC में 5,500 से ज्यादा पोस्ट हैं, तो आप भर सकते हैं, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा IOCL की मथुरा रिफाइनरी में भी ITI कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट निकली हुई हैं, 41 41 पोस्ट निकली हुई हैं IOCL की मथुरा रिफाइनरी में। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर है। तो दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को कुछ जॉब्स के बारे में बताया जो मुझे लगा कि आपके करियर को बूस्ट दे सकती है। ऐसे ही मैं हर संडे आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लेके आता हूँ, और अपनी वेबसाइट में भी लेटेस्ट जो जॉब निकलती है मैं वह पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी आके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय जवान, जय किसान।